दीजिए, एक बात पूछूं आपसे। आपको कुछ नहीं करना है, जवाब नहीं देना है। अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो बस पलके झपकाना, मैं समझ जाऊंगा कि आप हाँ बोल रही हैं। दीजिए, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, तब बेहोश होने से पहले आपने प्रज्ञा का हाथ मेरे हाथ में दिया था, ये ऐसे ही हो गया या आप जानती थी कि आप क्या कर रही हैं? बताइए ना आंटी जी, बोले ना प्लीज। ये आप क्या कर रहे हैं? देखो, ये माँ बेटे के बीच की बात है, प्लीज तुम बीच में मत आओ। एंड दिस टाइम आई एम वेरी सीरियस आंटी जी, प्लीज। उस बात को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्यों किया। बहुत परेशान, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने प्रज्ञा का हाथ मेरे हाथ में क्यों दिया। मेरी शादी होने वाली है तनु से, और इस शादी के लिए तो परमिशन आपने ही दी थी ना, तो फिर क्यों आंटी जी, बताइए ना क्यों आपने ऐसा किया? क्या आप नहीं चाहती कि तनु से मेरी शादी हो? क्या आप चाहती है कि मैं प्रज्ञा को अपना लूं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है आंटी जी? आप तो खुद प्रज्ञा से नफरत करती थी ना, तो आप मेरा रिश्ता क्यों जोड़ रही थी? आंटी जी प्लीज कुछ तो बोलिए, आंटी जी कुछ तो बोलिए। पलके झपकाइए, सर हिलाइए, कोई तो इशारा दीजिए, लेकिन कुछ कहिए। आंटी जी वजह मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन आपको बताना होगा। आंटी जी प्लीज बताइए आपने ऐसा क्यों किया, आपको बताना होगा वरना मैं नहीं रह पाऊंगा। आंटी जी प्लीज, आप चुप क्यों है? क्या आप जवाब दीजिए प्लीज। देखा तुमने आंटी जी ने पलके झपकाई है। उन्होंने हाँ नहीं कहा, थक गई है वो, नींद आ रही है, उन्हें सोने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं आंटी जी प्लीज, कोई इशारा दीजिए आंटी जी, आपको जवाब देना होगा। आंटी जी आप क्या कर रहे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जानते हैं ना। ये सवाल जवाब बाद में भी हो सकते हैं ना। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि इस वक्त उनके दिमाग पर जोर नहीं डालना है, फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? दरअसल वो बेहोश होने से पहले माँ ने मेरा हाथ इनके हाथों पे रख दिया था इमोशनल होकर, और तब से वो वही बात पकड़ कर बैठ गए। उनके दिमाग में जैसे एक ही बात चल रही, जब माँ बेहोश भी थी तो बस एक ही रट लगाए बैठे थे कि जैसे ही माँ को होश आएगा सबसे पहले उनसे सवाल करेंगे कि माँ ने ऐसा किया क्या। और आज उन्होंने सवाल कर ही लिया माँ से। सवाल क्या क्या, वो तो माँ पर प्रेशर डाल रहे थे। पर तुम सोचो पूरा, माँ की यह हालत देखते हुए अगर वो माँ पर प्रेशर डाल सकते हैं तो वो खुद कितने परेशान होंगे। अब आप आराम ही कीजिए, जिंदगी भर आराम कीजिए, ऐसा समझिए कि आपकी रिटायरमेंट हो गई। नहीं नहीं आंटी प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर आप दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो दिमाग फट सकता है। तो फिर आपकी बेटी ने जो मेहनत की ना आपको बचाने के लिए, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कोई रिमेम्बर, मेहनत तो आपने भी की थी ना हमसे भागने की, यहाँ वहाँ इधर उधर, पर इवेंचुअली हुआ क्या, आप निखिल की गाड़ी के नीचे ही आ गई ना। क्या, एक मिनट, इतनी दूर से सुनाई नहीं देता ना, क्या कहा आपने? आप भी ना आंटी, आप खुद को तो बचा नहीं पा रही है, मुझे कैसे मारेंगी? इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है ना, आप अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी को भी नहीं मार सकती, उसे ऐसे उड़ा भी नहीं सकती। बस एक बात और, आपके दिल में जो राज है ना वो आपके दिल में ही रहेगा। ना आप किसी को कुछ बताना, ना मैं किसी को कुछ बताऊंगी। क्या हुआ आंटी, कुछ चाहिए आपको? पानी? वैसे पानी तो मैं दे दूं, पर मैं सोच रही हूं कि उसमें मिलाऊं क्या, चीनी, ग्लूकोज या फिर जहर?